है पायल, बट बहुत ही गंदी गंदी वाली सिली मिस्टेक्स यहाँ पर करके रखी हुई हो, ठीक है। जैसे सवाल नंबर 1 तो तुम्हारा सही है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सही है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो तुम डिवाइज़र लिख रही हो एक्स प्लस टू और यूज़ कर रही हो तुम एक्स प्लस फोर, फिर ये तो एकदम अंधेपने की लिमिट हो जाती है ना, इस चीज़ को ठीक करो। उसके बाद सवाल नंबर 4th में भी सही है, सवाल नंबर 5 आई थिंक तुम्हारा गलत है। ये देखो ये 1-2x दिया है, तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, 1-2x = 0, देयर फोर 1 = 2x, देयर फोर x = 1/2, है ना। x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1/2, तो यहाँ पे तुमने -1/2 पुट करके रखा है। कितनी बार बोला है कि मेंटली तुम लोग काम करते हो वो ठीक बात है, बट एटलीस्ट तुम लोगों को वाली चीज़ रफ में कर लेनी चाहिए ताकि इस तरीके की दिक्कत ना हो। अब देखो कितना बड़ा तुमने कैलकुलेशन किया, बट पूरा का पूरा गलत, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल में देखते हैं, यहाँ पे ये वाला सही आ गया है, 7th वाला फिर गलत है। अरे एक्स -2/3 दिया था, तो वो 2/3 पुट करते हैं, यहाँ पे 5 कहाँ से पुट कर दिया है, नींद में आ, उसको ठीक करो। और उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर की जो ठीक किया, वैल्यूज़ भी ठीक पुट की, 3 की पावर 4 162 नहीं होता है, ठीक है, ये वाली चीज़ गलत है। और ऑब्वियस है फिर तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो गई, हो सकता है बीच में और भी कोई मिस्टेक हो, मैंने नहीं ढूंढी है, पहली मिस्टेक गलत है, बाकी ढूंढ के करेक्ट करूँ। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 सही है तुम्हारा, अच्छा काम किया है। अच्छा यहाँ पे तुमने डिवीज़न इतने में ही छोड़ दिया, अरे पगले डिवीज़न कब रोकते हैं, जब यहाँ पे छोटी डिग्री आ जाए, ठीक है, यहाँ की डिग्री कैसी हो, स्मॉल डिग्री हो, और यहाँ की डिग्री बड़ी हो। अभी तो ये 1x है, 1x को जब तुम x से डिवाइड करोगी तो कट के कितना बचेगा, 1, तो यहाँ पे +1 लिखेगी ना, फिर उसके बाद फिर यही वाला 1 तुम्हारे उस x +1 से होगा, ठीक है, तो फिर वो आएगा 1x+1, ये ऐसे साइन चेंज कर देंगे अपन, बराबर, ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि लॉन्ग डिवीजन मैथड, तो ही तुमको लॉन्ग डिवीजन मैथड करनी है, अदरवाइज उसको जैसा तुमने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ किया है रिमाइंडर थ्योरम से ना, वैसे ही करना। इवन ये वाली चीज़ तो तुमने 8th स्टैंडर्ड में सीख ली है, हमारी ये तुम्हारी बुक्स क्योंकि अलग CRT में, NCERT में ही था, तो ये वाली चीज़ तुम्हें नीड नहीं पड़ेगी लॉन्ग डिवीजन मैथड की, तो स्टेट बोर्ड में ये सारी चीज़ें 7th स्टैंडर्ड में ही सिखा दी जाती है। 7th CBSE में ये चीज़ इंट्रोड्यूस होती है 9th क्लास में, ठीक है, तो डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किया करो, जैसे वन का भी, जैसे वन का क्यों ओ थ्री होता है, ओ माई का भी तो लेजेंडरी काम, ऐसी बस तुम मिस्टेक ऐसी बस तुम मिस्टेक करती जाओ, कितना अच्छा देखो तुम कितना अच्छा प्रोग्रेस करोगी। उसके बाद ऑब्वियस से पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक, अच्छा यहाँ पर देखो ये कैसा गलत हो गया, मार्जिन का अगर मार्जिन का वन लिखा रहता है, वन क्या पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, माइनस एक्स माइनस टू लिखा रहता है, टू क्या पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे यहाँ पे क्या पुट करेंगे, +0, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब +0, तो यहाँ पे जब तुम्हें रिमाइंडर निकालना होगा तो रिमाइंडर तुम क्या निकालोगे, P(0) निकालोगे ना, तो तुमने एक्स को एक्स ही रख दिया है, ठीक है, तो P(0) निकालना है। अच्छा यहाँ पे तुम्हें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई की वैल्यू को 22/7 मत करना, उसको पाई के टर्म्स में ही आंसर निकाल दो, ठीक है, उसको मत करो। उसके बाद ये वाले में तो और भी महान कार्य, 5 + 2x = अगर मैं 0 लिखूँ तो 2x = कितना होता है, -5, तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -5/2। अब यहाँ देखो क्या पुट किया है, तो ऑब्वियस आगे का भी पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लेना।